देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी असंवैधानिक सोच पर विपक्ष से संवैधानिक जामा पहनाना चाहती है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि अगर उनकी असंवैधानिक सोच हो और उस असंवैधानिक सोच पर विपक्ष उसको स्वीकार ना करे और उस पर तैयार ना हो कि उसकी असंवैधानिक सोच पर संवैधानिक जामा पहनाया जाए, तो उसको विपक्ष पर प्रहार। और मुझे कतई ये नहीं लगता कि जो सरकार की जिस तरह की नीयत है, FDI से लोकपाल को प्रपोज करते हैं और रिजर्वेशन से डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं, यानी उनका एक बहुत साफ नीयत थी कि ये मजबूत और सशक्त लोकपाल न बने और उस लोकपाल की जगह एक कमज़ोर और एक ऐसा लिबलिब और चूचू का मुरब्बा बने जिसका कि ना जिसको ना लोग जो है ना किसी लायक हो ना किसी एक्शन करने लायक हो। क्योंकि आज लोकपाल की जो भारतीय जनता पार्टी ज़रूरत समझती है, भ्रष्टाचार और घोटालों के सैलाब से लड़ने की शक्ति होनी चाहिए और उन घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों को सज़ा देने की ताकत होनी चाहिए, वो सारी की सारी नहीं है। पार्टी का रुख क्या होगा? निश्चित तौर से हम उनकी असंवैधानिक सोच और मांग को या उनके असंवैधानिक दस्तावेज पर संवैधानिक जामा नहीं पहनाने देंगे।